डज जीपीए मैटर? ये वो क्वेश्चन है जिस पे काफी ज्यादा कहा और बोला जा चुका है। आपने अक्सर सुना हुआ होगा, आपके सीनियर है बाप आपसे कहते होंगे, आपके साझा क्राम भी आपसे कहते होंगे। मुझे याद पड़ता है जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे साझा भी हमें कहा करते थे कि भाई जीपीए मैटर नहीं करता, आप लोग अपने स्किल सेट पे तवज्जो दें। एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, मैं इस क्वेश्चन को तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूं। देखिए, जीपीए का अच्छा या बुरा होना आपकी लाइफ के तीन एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है। या आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करता है, और ये आपकी एकेडमिक लाइफ को भी इफेक्ट करता है। सोशल लाइफ को आप इस तरह समझिए कि अगर आप एक गैदरिंग में हो जहां पे आपके खानदान के कुछ बड़े बैठे हुए हैं और आपसे कोई आपके जीपीए के बारे में पूछे, या अगर आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हो तो आपका कोई दोस्त आपसे जीपीए के बारे में पूछ ले, या आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो किसी शख्स के हाथ आ जाए, तो इन तीनों केसेस में आपका जो जीपीए है वो आपके बारे में एक परसेप्शन डेवलप करेगा। अच्छा या बुरा जीपीए आपको कॉन्फिडेंस दे भी सकता है और आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक भी कर सकता है। सो इस हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए, ताकि जब आप किसी से बात कर रहे हो या आपके एकेडमिक प्रोफाइल को कोई शख्स देख रहा हो तो जो फर्स्ट इंप्रेशन वो ले आपके रिजल्ट को देखते हुए, वो अच्छा लेना चाहिए उसको। मैं इसमें अपनी मिसाल देता हूं। मेरे पूरे एजुकेशनल करियर में जो सबसे वीक पोर्शन था मेरी एजुकेशन का, वो मेरी एफएससी थी। मैट्रिक में आई गॉट 90% मार्क्स, फ्री एजुकेशन थी मेरी कॉलेज में। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया और एफएससी का एग्जाम मैंने दिया तो मेरे हार्डली 68% मार्क्स थे, ठीक। और यूनिवर्सिटी में मेरा रिजल्ट काफी अच्छा था। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया, उसमें भी मेरा जीपीए बहुत अच्छा था। तो ये अगेन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मैं अपने आप को अगर देखूं तो मुझे याद पड़ता है जब कभी मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया करता था या जब कभी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भी भेजता था तो मैं अपने एफएससी वाला रिजल्ट कार्ड सबसे नीचे लगाया करता था, ताकि कोई मेरा अच्छापन कोई पहले देखे और एंड के ऊपर उसकी नजर पड़े मेरे एफएससी वाले रिजल्ट पे। बहुत दफा ऐसा हुआ भी कि मेरे से लोगों ने पूछा कि यार तुम्हारा मैट्रिक में बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बीएस में और एमफिल में यू गॉट रियली गुड मार्क्स, लेकिन ये एफएससी में तुम्हारा नंबर कम क्यों है, ठीक। सो मैं ये समझता हूं कि मार्क्स का अच्छा या बुरा होना समहाउ आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है। सो इस केस में आपका जो ग्रेड है, जो आपका जीपीए है, वो अच्छा होना चाहिए, उसको बुरा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखें प्रोफेशनल लाइफ को, तो यहां पे मैं ये समझता हूं कि स्किल ज्यादा मैटर करती हैं। आपको काम करना आना चाहिए, आपका जीपीए मैटर नहीं करता। जो आपका बॉस है या जो आपका मैनेजर है या जो आपका सुपरवाइजर है, ही जस्ट नीड्स योर वर्क। आपको काम आना चाहिए, आपके काम को बोलना चाहिए। वंस यू हैव सेलेक्टेड, आप किसी भी जॉब के लिए सेलेक्ट किए गए हो और आपको जॉब मिल गई है, आपको एक टास्क दे दिया गया है, तो अब शायद आपके रिजल्ट कार्ड को कोई बार बार नहीं देखेगा, ना ही आपके आपसे कोई बार बार पूछेगा कि भाई आपका जीपीए क्या था। अब यहां पर आपने साबित करना है अपने आप को अपनी स्किल से। तो प्रोफेशनल करियर में वंस यू हैव अ जॉब, तो फिर मैं ये समझता हूं कि आपको जीपीए से ज्यादा आपकी स्किल मैटर करती है। अब अगर हम बात करें एकेडमिक लाइफ की, तो जहां तक एकेडेमिया का ताल्लुक है, तो मैं अगेन ये कहूंगा जीपीए डस मैटर, जीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इवन पाकिस्तान से बाहर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे आपका जीपीए जरूर मैटर करेगा। जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स मैटर करेंगे, आपकी रिसर्च प्रोफाइल मैटर करेगी, ऑन द अदर हैंड आपका जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग हैं, दोनों के रिसर्च पब्लिकेशन अच्छी हैं, दोनों के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो अब जो फैसला करेगा वो अल्टीमेटली आपका एकेडमिक प्रोफाइल करेगा कि आपने कौन सी डिग्री में आपके स्कोर्स क्या हैं, आपने सब्जेक्ट्स कौन से लिए हुए और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका स्कोर क्या था, ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि एकेडमिक लाइफ के अंदर जीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है।
पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आप जिन्होंने एक थ्रेश होल्ड सेट किया हुआ है, जिससे कम अगर आपका जीपी हो तो आपको एडमिशन नहीं देती। इसी तरह पाकिस्तान से बाहर भी है, ठीक। अगर मैं अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूं और एक कम्युलेटिव स्टेटमेंट आपको दूं, तो मैं ये कहूंगा कि जीपीए भाई मैटर करता है। अपना जीपीए अच्छा रखिए, आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आप अपनी स्किल सेट पे तवज्जो ना दें। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। लेट्स से कि अगर आपका जीपीए 3.9 है, 90% से ज्यादा आपने स्कोर किया हुआ है और आप किसी इंटरव्यू वाले रूम में बैठे हुए हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, तो आपका अच्छा जीपीए जो है वो इंटरव्यू लेने वाले या जो भी शख्स आपकी एकेडमिकली इंस्पेक्शन कर रहा है, उसके माइंड में उसने एक परसेप्शन बनाई हुई है कि भाई आप अच्छे बच्चे हैं, ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जीपीए अच्छा है। लेकिन जो ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता ना हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, आपके पास स्किल्स ना हो, तो वो जो आपका भरम है वो किसी भी लम्हे टूट सकता है, ठीक। सो ये दोनों पैरेलल चलती हैं। आप अपनी स्किल सेट पे भी तवज्जो दें और आप अपने जीपीए पे भी तवज्जो दें। मत सुनिए ऐसी बातें जो लोग आपसे ये कहें कि भाई आप अपने जीपीए पे तवज्जो ना दें, जस्ट स्किल्स मैटर करती हैं, तो आप जस्ट जो है वो अच्छा पढ़िए और रिजल्ट्स को छोड़ दें। रिजल्ट्स पे भी तवज्जो दें और अपनी स्किल्स पे भी तवज्जो दें। और आखिर पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, और ये बात मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, अगर कोई सुन रहा होगा तो वो जरूर मेरी बात को इंडोर्स करेगा कि ये अक्सर बात हम करते हैं क्लासरूम में। बच्चों याद रखिए कि एक प्लान हम करते हैं और एक प्लान हमारे बारे में किया जाता है, एक प्लान हम बनाते हैं और एक प्लान ऊपर से आता है। एग्जीक्यूट हमेशा वही प्लान होता है जो ऊपर से आता है। आपकी एफर्ट मैटर करती है, ठीक है। हमारी जो लाइफ है, अगेन ये भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे चलती है। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। What we can do, we can only call functions. He, the Almighty Allah, He knows all the if and else. कि उसने किस वक्त आपको कहां पे लेके जाना है और किस तरह लेके जाना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से पता है, ठीक। सो कोई भी चीज हतमी नहीं है। हम अपनी जजमेंट दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके पास स्किल सेट बिल्कुल भी नहीं है और बड़े बड़ी अच्छी डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं लेकिन वो बड़ी मामूली जॉब कर रहे हैं। सो इसमें बड़ा सा इख्तियार और बड़े सा जो रोल है वो कुछ हमारी एफर्ट्स का भी है और अल्टीमेटली अल्लाह ताला की मदद का भी है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप जिस भी मकसद के लिए स्टडी कर रहे हो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे, खुश रहें, और इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।